हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, वो है साउंड। जिस तरीके आरआरबी जेई के लिए हम आपके सामने लाइट को लेकर आए थे और उसका काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट भी स्टूडेंट को मिला, क्योंकि ये सब ऐसे टॉपिक हैं, जैसे लाइट हो गई, हीट हो गई, साउंड हो गई, ऐसे टॉपिक हैं जिससे हर एग्जाम में क्वेश्चन आने फिक्स होते हैं, और उसी को लेकर के आज एनटीपीसी के लिए हम लेकर आए हैं आपके सामने साउंड को। वीडियो को अंतिम तक बने रहिएगा, हम आपको साउंड से रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे पूरी। ठीक है, चलिए बात करते हैं हम लोग साउंड के बारे में अपने इस जीएस स्पार्क चैनल पर। बात करें अगर साउंड के बारे में, तो साउंड ध्वनि होती क्या है? ध्वनि एक प्रकार की एक ऊर्जा है। जैसे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, वैसे ही ध्वनि एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है। और ध्वनि एक ऐसी ऊर्जा है जिसको हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते भी हैं। हम बोल रहे हैं तब आप आवाज़ सुन रहे हैं, तो ये क्या है? एक तरीके की एनर्जी है। इस एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है आपके तौर किसी एक माध्यम के तहत। तो कुल मिलाकर के साउंड क्या है? एक तरह की ऊर्जा है। साउंड के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो हम आपको एक बात बताना चाहते हैं। वेव आप लोग जानते होंगे, तरंग किसे कहते हैं? तरंग, तरंग दो तरह की होती है, एक होती है मैकेनिकल वेव और एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव। दो तरह की मेन रूप से वेव्स होती है। और मैकेनिकल वेव्स क्या होती है? ऐसी वेव्स जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, वो क्या कहलाता है आपका? मैकेनिकल वेव्स। और नॉन मैकेनिकल वेव्स क्या होती है? जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसी में नॉन मैकेनिकल वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहा जाता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे भी कहा जाता है। तो अगर एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ ले ध्वनि साउंड कैसी वेव है, तो कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव है। कहीं पे आप नोट डाउन कीजिएगा, पूरी टॉपिक को आपको नोट करना है। कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव है। क्यों मैकेनिकल वेव है? क्योंकि इसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अगर हम अपने मुंह को ना खोलें, तो क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच पाएगी या बाहर निकल पाएगी? नहीं। इस ध्वनि के संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता पड़ रही है, वो माध्यम कौन सा है? वायु। वायु के माध्यम से हमारी बात आप तक पहुंच रही है। अगर ये वायु ना हो, तो ये ध्वनि का ट्रांसफर नहीं हो सकती मेरे से आप तक। इसीलिए ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए ध्वनि को मैकेनिकल वेव कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग अगर ध्वनि की, तो आवृत्ति के अनुसार, आवृत्ति के बेस पे इसको तीन भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? यहाँ पर लिखा हुआ है अवश्रव तरंगे, श्रव तरंगे, पराश्रव तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स, ऑडिबल वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स। तीन तरह की वेव्स होती हैं आवृत्ति के अनुसार पर। जैसे इंफ्रासोनिक वेव्स किसे कहते हैं? ऐसी वेव्स, ऐसी ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति 0 से लेकर 20 हर्ट्ज तक होती है, उसे क्या कहा जाता है? अवश्रव तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स। अवश्रव क्यों कहा जाता है? ऐसी तरंगे जिसे सुना ना जा सके। जो भी ध्वनि 0 से 20 हर्ट्ज तक होगी, उसे हम लोग सुन नहीं सकते, मनुष्य द्वारा उसे सुना नहीं जा सकता है। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि मनुष्य कौन सी ध्वनि नहीं सुन सकता, तो आप बताओगे कौन सी ध्वनि सुन सकता? अवश्रव तरंगों को नहीं सुन सकता। इनकी आवृत्ति परिसर क्या होती है? 0 से 20 हर्ट्ज तक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, भूकंप के समय धरती में जो तरंगे उत्पन्न होती हैं, वो क्या होती हैं? इंफ्रासोनिक वेव्स होती है, अवश्रव तरंगे होती हैं। मनुष्य के दिल की धड़कन, जो हमारे हार्ट की धड़कन होती है, क्या हम उसको सुन सकते हैं? क्या? नहीं सुनते। मनुष्य के ये हार्ट की जो अंदर की एक आवाज निकलती है, जो साउंड निकलता है, उसे हम लोग सुनते नहीं, एहसास करते हैं जब लगाते हैं, तो सुनाई नहीं देता। इसलिए इसको भी हम लोग क्या कहते हैं? इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। दूसरी वेव्स जो है, जब हम 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक आते हैं, तो ये कहलाती है आपकी ऑडिबल वेव्स। जितनी तरीके की चीज, जितनी भी साउंड हम सुनते हैं, मनुष्य सुनता है, वो क्या होती है? ऑडिबल वेव्स। जैसे अगर आपसे पूछा जाए पंखा चलने की आवाज कैसी वेव्स है, तो आप बताओगे ऑडिबल वेव्स है। कूलर चलने की आवाज कैसे? ऑडिबल है। जैसे चिल्लाने की आवाज कैसी वेव्स है, तो वो क्या है? ऑडिबल वेव्स है। तो जो चीजें हम सुन सकते हैं, वो क्या कहलाती है आपकी? ऑडिबल वेव्स कहलाती है। ठीक है, ऑडिबल वेव्स की जो फ्रिक्वेंसी रेंज होती है, क्या होती है? 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो ऑडिबल वेव्स को भी आप अच्छे से समझ गए। अब हम लोग बात करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स की। अल्ट्रासोनिक वेव्स एक ऐसी वेव्स होती है जिसे मनुष्य नहीं सुन सकता, क्योंकि इसकी जो होती है फ्रिक्वेंसी रेंज, वो होती है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। जब कभी भी कोई साउंड 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो जाएगी, तो वो चीज हमें सुनाई नहीं देगी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अल्ट्रासोनिक वेव्स। ये किसको सुनाई देती है? जानवरों को।
अक्सर आप देखे होंगे कि जानवर कभी कभी ऐसी हरकतें करते हैं जिसमें हम समझ नहीं पाते कि आखिर हुआ क्या। वो कहीं ना कहीं से कोई अल्ट्रासोनिक वेव्स को सुने होते हैं, यही रीजन है कि वो क्या करते हैं, कभी भागने लगते हैं या कभी तेजी से चलने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अल्ट्रासोनिक वेव सुनाई देती है और वो चीज़ें हमको नहीं सुनाई देती हैं। तो कुल मिलाकर कि ये तीनों चीज़ें थी आपके सामने, आवृत्ति के अनुसार तीन तरह की हो गई, कौन कौन सी, इंफ्रासोनिक वेव्स, ऑडिबल वेव्स और अल्ट्रासोनिक वेव्स। इनके आवृत्ति परिसर को जरूर याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं ध्वनि के बारे में कुछ और चीज़ें। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। आप लोग पढ़े होंगे फिजिक्स में ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, दो तरह की वेव्स होती हैं। ये मैकेनिकल वेव्स के दो पार्ट थे, कौन कौन से, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक क्या था, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं, इसको समझ लीजिएगा। जब कभी भी माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा में चलते हैं तो इस तरीके के वेव्स को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल। और जब माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ फिर समझिएगा, अनुप्रस्थ किसे कहते हैं, जब कभी भी किसी माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के लंबवत कंपन करें, मतलब तरंग की गति की दिशा ये है, तरंग की गति की दिशा क्या है, ये है, और कंपन कैसे कर रहे हैं कण, लंबवत, परपेंडिकुलर, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स मतलब अनुप्रस्थ तरंगे, जैसे लाइट, लाइट क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है। और लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है, जब कभी भी माध्यम के कण तरंग की गति की दिशा के दिशा में कंपन करे, इसके लंबवत कंपन ना करके इसी दिशा में कंपन करें तो इसे क्या कहते हैं हम लोग, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो ध्वनि कैसी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। ध्वनि कैसी तरंग है, लॉन्गिट्यूडनल। हजारों बार पूछा गया हर एग्जाम में क्या लॉन्गिट्यूडनल, ये सब बहुत फेमस क्वेश्चन है, आप कोई भी पेपर उठा के देखोगे तो उसमें आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो ध्वनि कैसी है, एक लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। लाइट कैसी है, एक ट्रांसवर्स वेव्स है। बात करते हैं ध्वनि की चाल के बारे में। बहुत सारे माध्यम है जिसमें ध्वनि की चाल पूछता है, लेकिन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे तीन माध्यम है, कौन कौन, ध्वनि की चाल वायु में कितनी होती है, 332 मीटर प्रति सेकंड, मतलब एक सेकंड में 332 मीटर को ये पार करेगी। जल में कितनी होती है, 1483 मीटर पर सेकंड। और लोहे में कितनी होती है, 5130 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे बात एक और आ रही है कि ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, तो बात को नोट कीजिएगा कि ध्वनि की चाल सर्वाधिक किस में होती है, ठोस में होती है, सॉलिड में। कैसे, अब आपको हम बताते हैं एक प्रैक्टिकल, जैसे कि अगर आप रेलवे पटरी पे अगर कोई ट्रेन आने वाली है और वो ट्रेन बहुत दूरी पर हो और आप रेलवे पटरी पे अपने कान को लगाइए, देखिए आवाज़ बहुत तेज़ी से आपको सुनाई देगी। क्यों? क्योंकि रेल की पटरी एक सॉलिड है, मीडियम है, और सॉलिड मीडियम में ध्वनि की चाल बहुत अधिक होती है। यही रीजन है कि 20 किलोमीटर दूर से भी आने वाली ट्रेन आपको सुनाई देगी। ठीक है, तो ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है, सॉलिड में होती है, ठोस में होती है। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। ये क्वेश्चन पूछता है कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है, तो आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है, आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। फिर देखेंगे ध्वनि की चाल पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। ध्वनि की चाल पर दाब का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, प्रेशर कितना भी कम हो अधिक हो उससे मैटर नहीं करता, ये ध्वनि की चाल पर दाब का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्वनि की चाल, ताप, अगर हम लोग टेम्परेचर किसी मीडियम का बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होगा, ध्वनि की चाल क्या होगी, बढ़ जाएगी। टेम्परेचर जितना अधिक, ध्वनि की चाल उतनी ही अधिक बढ़ जाएगी। फिर बात करते हैं ध्वनि की चाल पर आर्द्रता का क्या प्रभाव पड़ता है, जो ह्यूमिडिटी होती है उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। देखिए ध्वनि की चाल शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, यही रीजन है कि ठंडी में हमें आवाजें ज्यादा तेजी से सुनाई देती हैं। तो कुल मिलाकर आपके सामने हम साउंड की लेके आए थे वीडियो, क्योंकि कई स्टूडेंट्स बोले थे कि सर साउंड की भी वीडियो लाइए जिससे जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो हम आपके सामने दोस्तों इसी तरीके वीडियो लाते रहेंगे, हर एक टॉपिक, जो टॉपिक को आपको दिक्कत हो उस टॉपिक पे आप कमेंट कीजिएगा, इसी तरीके हमारे चैनल पर हमेशा बने रहिएगा। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके दोस्तों, बाय बाय।